गाइस खेत जाने से पहले ये कुटेला हमारा टूट चुका है, तो गाइस नाश्ता रेडी हो चुका है। चाइना की दीवार बनाने वाला हूँ। कीजिए। ये मेरी माइकी की बुआ है। कैसे कर लेते हैं पहाड़ों में इतना काम समझ में नहीं आता। मम्मी लोग तो थकते भी नहीं है यार। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती ब्लॉग्स में। तो गाइस नए ब्लॉग की नई शुरुआत कर रहे हैं एक नए दिन के साथ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। तो मैं थोड़ा लेट उठी हूँ आज, क्योंकि मैं कल थोड़ा लेट सोई थी, एडिटिंग करी मैंने थोड़ी सी तो बहुत लेट हो गया था। तो अभी मैं आई हूँ आगे साइड, क्योंकि बकरी के पट्टे को पता नहीं क्या हो गया था, आवाज़ कर रही थी, तो मैं देखने के लिए आई। तो यहाँ पे गोबर भी भर दिया है मम्मी ने खेत जाने के लिए, क्योंकि आज सुबह सुबह खेत जाना है। दिन में बहुत भयंकर वाली धूप लगती है, तो मड़वे की गुड़ाई करनी है, तो मुझे नाश्ता वगैरह बनाना है। झाड़ू वाड़ू मैंने लगा लिया है, तो अब चलते हैं आगे साइड को, नाश्ता बनाते हैं। तो ये है मेरी मोतीमा गाइस, ये बहुत ही प्यारी है। इसके माथे पे वाइट वाइट बाल आए हैं। ये मोटू है। अभी आपका आना कैसे हुआ? मोती है ये, मोती मानी है। अभी आप यहाँ क्यों आए हो? आलू पराठों के। अच्छा आज नाश्ते में आलू के पराठे बनने हैं गाइस। जी है आलू के पराठे, और इनका साइज जो है लार्ज है, पंजाबी स्टाइल में बनाए जा रहे हैं बिल्कुल। और ये आग में बन रहे हैं, देखो जो एक है कलाकार ये है। इतना गर्म हो रहा है ना, बहुत ज्यादा। जीतू देवी गाइस नाश्ता रेडी हो चुका है, और नाश्ते में आज बनाए हैं आलू के पराठे, ये बीन्स की सब्जी है, और ये पुदीने और भांग की चटनी है, और ये हरा नमक है, और ये है मट्ठा। तो हम लोग करते हैं नाश्ता, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस नाश्ता करके मैं आई हूँ अभी छत पे कंबल धूप में डालने के लिए। तो मुझे इसके बाद जाना है खेत में, मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, कितनी दूर जाना है। तो मुझे आज जाना है घर के नीचे साइड वाले खेतों में। यहाँ नीचे मम्मी दिखाई दे रही हो खेत में, वो गुड़ाई कर रही है, और ये हमारे घर के आगे साइड के खेत हैं। तो गाइस आज सुबह सुबह ना बादल लग चुके हैं, और हल्की हल्की धूप है, और हवा भी चल रही है, तो आज गुड़ाई करने में उतनी आफत नहीं आएगी, और गर्म भी कम होगा। तो अभी चलते हैं सीधे नीचे, मम्मी के लिए एक बोतल में पानी लेके जाती हूँ, और अपना कुटेला भी ले जाना पड़ेगा। कल तो मैंने सारा उखाड़ दिया था, लेकिन आज थोड़ा सीख जाऊँगी मम्मी के साथ लग के, मम्मी सिखाई देंगी थोड़ा बहुत। तो गाइस खेत जाने से पहले ये कुटेला हमारा टूट चुका है, अब मैं क्या ही गुड़ाई करूँगी, इससे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से डालना है यहाँ से डालना, ये भी अंदाजा नहीं आ रहा मुझे। तो मैं खेत जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ, और मैंने चुन्नी पहनी है सर पे, और ये मोटू की शर्ट है, क्योंकि आजकल मैं गांव आके ना बहुत ज़्यादा काली हो गई हूँ। इसीलिए मैंने शर्ट से पूरा कवर कर रखा है, गला काला ना हो जाए, और सर में भी धूप लगती है दिन में, तो सर में तभी चुन्नी ओढ़ के है। और ये मम्मी के लिए पानी लेके जा रहे हैं, और ये मेरा कुटीला हो गया घर में, खेत जाने से पहले ही उखड़ चुका है, वहाँ जाके पता नहीं क्या होने वाला है। तो दिखाएंगे हम आपको खेत का सीन, तो बने रहेगा हमारे साथ भी व्लॉग में, काफ़ी मज़ा आने वाला है। हमारे पीछे पीछे हमारी आमा भी आ रही है गाइस। है आमा, आप हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती है? जहाँ हम जाते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। मैं भी वहीं जा रही हूँ, हमारे साथ लग रहे हो आज। आओ फिर हमारा पलटा तार दोगे गाइस। यहाँ पे क्या काम हो रहा है, कहाँ जा रहे हो गाइस? हम तो जा रहे हैं गुड़ाई करने, आप भी आओगे हमारे साथ? आओगे? चलो फिर आओगे। हर घर में एक एक गाय आपको देखने को मिलेगी, बकरियां मिलेंगी, ये हमारे भी पाली है। मेरे पास दो गाय है, दो है आपकी? हमारे पास भी दो है घर, गाय भी मेरी, बच्ची भी मेरी, बकरी भी मेरी। वो वहाँ की है, क्या बोलते हैं, कहाँ से हम खेत जाने पहले कुटी लो खड़ गया, और खेत जाने पहले घाम लग गया, कश हो काम है जा। घर घर क्यों क्या नहीं होता है, सीख के क्या नहीं होता है, बेल्ली मुड़ो कुटिन गई मुड़ू ले गाले सब उखाड़ उखड़ गए। अब तो घर जीवल। यहाँ से हमारी बुआ जी भी आ रही हैं, ये मेरी मायके की बुआ हैं, और आजकल बुआ ने गाय पाली है। बुआ गाय पाली है। कितनी गाय पाली है आपने? एक। चलो गोबर बचाने जा रहे हो फिर? जाओ फिर जाओ। ये तो बड़ू रहे जाब क्या तुम जिंदा ठीक के बार बैठ जल गो। तो इस पहाड़ों में सभी लोग अपने अपने काम पे लग चुके हैं, और सभी लोग अभी खेतों की ओर जा रहे हैं, तो हम भी चलते हैं जल्दी जल्दी, वरना मम्मी नीचे से देखेगी तो कहेगी ऐसी भूतकारा बहू है कि दिन भर फोन पे लगी रहती है, है? तो यहाँ पे मम्मी जी ने सारा गोड़ दिया है, खाली जो आई मैं खेत में, है मम्मी? लो पानी
घर से घूम रही हूं। हेलो घर भी वाले फिर उबल गोडन ता वीडियो बना बल मेरी लो पानी जूस है पानी नहीं है। मम्मी को बोल काम करना छोड़ दे अब बल। तो अभी एक खेत और बच गया हमारा इस साइड को, फिर बाकी खेत हमारे इस साइड है। और गाइस अब मैं चली घर की ओर। ये लोटा मैं चाचा लोगों से मांग के लाई थी, वो वापस करना है। और बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और मम्मी ने बोला तो घर जा खाना पीना बनाना। मैं घर की ओर आ गई हूँ और मिट्टी भी इतनी ज़्यादा गर्म हो रही है कि पाँव घर की ओर आ गई हूँ। बाप रे कैसे कर लेते हैं पहाड़ों में इतना काम समझ में नहीं आता। मम्मी लोग तो थकते भी नहीं हैं यार, मुझे तो जल्दी जल्दी थकान लग जाती है, जल्दी जल्दी भूख भी लग जाती है। और मम्मी लोग तो दिन भर काम करते फिर भी नहीं थकते हैं। थकते होंगे बेचारे, क्या करते हैं, काम तो करना ही हुआ। इसलिए मम्मी ने मुझे घर भेज दिया क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा दयालु है। वो सोचती है कि ये थक जाती होगी तो जब भी मैं खेत जाती हूँ मुझे जल्दी घर भेज देती है, खाना पीना बनाना या ये करना वो करना, घर पे ही रहना। ऐसी मेरी मायके की मम्मी भी है। मुझे सेम दोनों मम्मियाँ मुझे बहुत अच्छी मिली यार। ऐसी सास भी बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत किस्मत वालों को मिलती है। पहले से हम मम्मी के साथ ऐसे ही खेत जाते थे जैसे हम छोटे छोटे हुआ करते थे, तो उस टाइम पे हमें उतना आता नहीं था तो मम्मी हमको घर भेज देती थी। तुम घर का काम करना या खाना पीना बनाना, जानवरों को देखना, खेत का काम मैं करती हूँ। वैसे ही यहाँ भी है, ऐसे ही मम्मी मुझे घर भेज देती है तो घर का काम करना खेत का मैं करूँगी। वो तो मुझे अच्छा ही लगता है घर में बैठना, तो थोड़ा थोड़ा मैं आ जाती हूँ हेल्प करने के लिए। थकान लग गई यार अम्मा। जूस वूस पिया, बोतल ख़त्म किया, आ गई मैं घर। देखो इतनी कामदार। ओहो यादगारी बामा जब कबैल को इतना चालो खेत से घर पहुंच गए। मेरी हालत देखो तो, मेरे बाल देखो। मैं नरेगा में काम कर रहा था और पूरी दीवार चाइना की दीवार बनाने वाला हूँ। वो चाइना की दीवार जो है बन जाएगी, जो है दीदी हाथ में लगने वाली है, आप जरूर देख सकते हैं। थक गई हूँ यार मैं, ऐसा मज़ा फिर खेत जाने में। तो गाइस नहा धो के आई हूँ छत पे कपड़े धूप में डालने के लिए। और हमारा कंबल जो सुबह मैंने डाला था वो भी सूख चुका है। वैसे गीला तो क्या ही था पर सूख गया है। अब इसको अंदर रख देती हूँ, फिर हम लोग खाएंगे खाना। आज के दिन के लंच में देखते हैं क्या बना रखा है और फिर हमें जाना है मार्केट की ओर। पहले कंबल अंदर रखते हैं फिर हम खाना खाते हैं। ये कंबल इतना भारी है ना, रजाई के जैसे है। और अभी तक भी हमारी रजाई नहीं छूटी है और दिन में गर्म भी उतना ही हो रहा है। तो खाना खाने के बाद निकल चुके हैं मार्केट की ओर। आज ज़्यादा थकान लगी थी लेकिन आज सो नहीं पाई, रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिला। तो अभी थोड़ा सा काम है मार्केट में इसलिए हम मार्केट जा रहे हैं। लीजिए मैंने चाय पी आई हूँ। पी लो अम्मा, उसे लेते हैं घर न बैठे मेरा दिल में बैठ आयो है। तुम अपना कारोबार करो, मैं सो जाती हूँ। हाँ मेरी नींद पूरी नहीं हुई है को, बढ़िया सी चाय पिला दी है और अब मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना, आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। ठीक सोने के टाइम सारा मार्केट जाना पड़ा, बड़ा ही गुस्सा आ रहा है। अब सो भी कैसे, शाम ही होने वाली है। तो गाइस अभी मैं आई हूँ छत पे कपड़े लेने के लिए क्योंकि दिन में जो कपड़े दे थे वो सूख चुके हैं और यहाँ का मौसम ख़राब होने वाला है। बादल लग चुके हैं और उस साइड को ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, बारिश भी हो सकती है। तो कपड़े भी सूख गए हैं और कपड़े लेके जाती हूँ नीचे, उसके बाद मैं जाऊँगी स्कूटी चलाने के लिए क्योंकि स्कूटी चलानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन जा रही हूँ एक दिन नहीं जा रही हूँ, फिर मैं भूल जा रही हूँ। और थोड़ी बहुत तो आ गई है, थोड़ी बहुत और सीखती हूँ। इस महीने में मुझे कैसे भी स्कूटी चलाना सीखना पड़ेगा, फिर मार्केट की ओर भी लेके जाऊँगी। अभी तो मैं मार्केट की ओर लेके नहीं गई हूँ, बस गाँव में ही चलाती हूँ। तो
तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।